हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, एक प्रॉब्लम है जो अक्सर आ रही है, बहुत बार आ रही है, और इनफैक्ट इस बार मैं जब राइड पे गया था ना, तो मेरे ग्रुप के लोगों के साथ भी आई है। अब वो प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, रुको पहले इस गाड़ी को मेन स्टैंड पे खड़ा करता हूँ। सॉरी यार, आज थोड़ी पैर में लगी हुई है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ राइड एक थी आज सुबह जो आपने जिसका वीडियो देखा था, ट्रिप मशीन की राइड थी वो थी, लेकिन आज मैं नहीं कर पाया बिकॉज पैरों में कुछ दिक्कत हो रखी है। तो सॉरी फॉर माई स्लीपर्स, सॉरी अबाउट इट। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम लोग राइड पे जाते हैं और अगर गलती से चेन क्लीनर या चेन लूप करते हैं, तो उसके बाद ये पीछे का ब्रेक जो है ना, काम करना बंद कर देता है। और एक टिपिकल प्रैक्टिस जो कि है सर्विस सेंटर्स में, कि आप क्या करते हैं कि आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड्स को स्क्रब करते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है और क्या इसी तरीके से क्लीनिंग की जानी चाहिए, तो आज इसके ऊपर करेंगे पूरी बात। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब आपको इस चीज़ को समझने के लिए कि प्रॉब्लम आती क्यों है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा कुछ थोड़ा सा इधर। होता क्या है, हम लोग चेन स्प्रे करते हैं, तब यहाँ से चेन स्प्रे, ये देखिए चेन स्प्रे लगा हुआ है, यहाँ से चेन स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे भी लगता है। और जब इस साइड से हम चेन स्प्रे करते हैं तो वो डायरेक्टली जा कर के जो है वो डिस्क पैड के ऊपर लगता है, इधर सॉरी डिस्क के ऊपर, यहाँ ये जो डिस्क है इसके ऊपर जाके लग जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब आप ये सूख जाता है स्प्रे, उसके बाद जब आप ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक जो है वो लगना कम हो जाता है। अब हम लोग घबरा जाते हैं कि क्या हुआ है, फिर या तो हमें सर्विस सेंटर जाना पड़ता है या फिर हम कुछ दिन वैसे ही चलते हैं और फिर थोड़े दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को आप मिनटों में ठीक कर सकते हैं, कैसे आइए दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर सेट, तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो उनमें से एक मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए। इस स्क्रू ड्राइवर सेट में से मैं ये भाले जैसा जो है इसको ले लेता हूँ, और इसके बाद कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इस पिन को पकड़ना है, ये देखिए ये पिन, और इसको इस तरीके से बाहर खींच लेना है। ये देखिए ये पिन बाहर आ गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से चोट मारनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर मैं चोट मारूँगा और ये पूरी पिन जो है ये निकल जाती है। तो ये देखिए ये पिन अभी जो है इसमें लगी हुई है, ये देखिए। तो पहले इस पिन को निकालते हैं ज़रा। तो ये देखिए गाइस, सॉरी गलती से मैं गलत तरफ से मार रहा था चोट, ये देखिए इधर से चोट मारेंगे और ये देखिए ये पूरी पिन इस तरीके से निकल जाएगी। ये देखिए ये पिन में इस साइड ये लॉक होता है, ये पिन निकल गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इन ब्रेक पैड्स को ऐसे करके निकाल लेना है। ये देखिए दिख रहा है आपको इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये कुछ नहीं है गाइस, ये मेरे जो चेन लूब है, ये देखिए ये उसकी डर्ट है। अब एज सिंपल एज दैट, ये देखिए चेन क्लीनर मेरे पास पड़ा हुआ था, चेन क्लीनर, आपको इसके ऊपर सिंपली चेन क्लीनर को मारना है। ये देखिए गंदगी निकल गई। सिमिलरली ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए चेन क्लीनर है, लूब नहीं है। अब इसके बाद आप सिर्फ एक काम कीजिए, इसको लीजिए और एक बहुत साफ़ सुथरे कपड़े से, ये देखिए। अब क्योंकि आपको पता है मैंने इसमें सेरामिक ब्रेक पैड्स डाल रखे थे, ये देखिए, अब ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए चेन लूप लगा हुआ है यहाँ पे, अब ये देखिए, ये देखिए चिपचिपा हुआ, और ये देखिए अब मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। ये देखिए क्लीन हो गया, ये देखिए गंदगी निकल गई। तो गाइस सिर्फ आपको इतना सा करना है
कि आपको ये दोनों साइड से ये पैड को इस क्लीनर से क्लीन कर दीजिए। अब बहुत से लोग कहते हैं मुझे कि आप सैंडिंग कर दीजिए, तो गाइज़ मेरे हिसाब से कभी भी सैंडिंग नहीं करनी चाहिए। अब उसके पीछे का आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। होता क्या है, ये जो डिस्क आपका पैड चलता है इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर आपका पैड चलता है, तो क्या होता है कि ये जो पैड होता है ये आपकी प्लेट के साथ रब करके एक सरफेस अपने आप पैड के ऊपर क्रिएट कर देता है। ये देखिए पैड्स बिल्कुल क्लीन हो गए। ये देखिए मैंने हल्का सा सिर्फ कपड़ा लगाना है, आपको कुछ भी नहीं करना गाइस। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ एंड क्लीन पैड, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गए। अब ये देखिए कुछ मत करिए, एक बार दोनों पैड्स को रब करके देख लीजिए, आपको सच में खुद बता देंगे। एकदम फर्स्ट क्लास, कोई चिकनाहट नहीं है, अब कुछ नहीं है। अब इसको सिंपली ये देखिए लगाने का भी तरीका बहुत ही सिंपल है। पहले लेफ़्ट साइड वाला अंदर जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड वाला आपने अंदर डाल दिया। ओ ये देखिए ये जो है ना ये पैड यहाँ पे आगे जाके रेस्ट करता है, तो इसको आपने ऐसे करके यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया। और सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे ओहो अरे क्यों भाग रहे हो भाई। ये देखिए सिमिलरली उसी तरीके से आपने पकड़ के इसको इधर से बैठाना है। ये देखिए ये बैठ गया, यह इस तरीके से ये इस पैड में लग गया। ये देखिए यहाँ अंदर जाके ये इसके ऊपर टिक जाता है। अब तो पहले इसको क्या करते हैं, इसको टिकाने का एक तरीका यूज़ करते हैं, वो है ये कि पहले यहाँ पे इसको रॉड को यहाँ पे ऐसे फंसा देते हैं। ठीक है जी, अब ये पैड आपका गया और ये पैड के ऊपर आपकी ये देखिए रॉड टिक गई, ये एक पैड आपका टिक गया। इसके बाद अब आप यहाँ पे ये दूसरा पैड लगा दीजिए, और लगाने के बाद बहुत ही आराम से नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए अभी आपके दोनों पैड यहाँ पे टिक गए। अब इसके बाद इस पिन को आपको उधर से ज़रा सा ठोकना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इस पैड के ऊपर, इस कील के ऊपर हमने टिका लिया और इसको ठोक देते हैं। बहुत ही हल्की सी चोट में ये अंदर चला जाता है, बहुत ज़्यादा चोट की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, वो ये रखना होता है कि ये जो पिन लगी है ना, ये पिन वापस ज़रूर लग जाए। और ये पिन तभी लगेगी जब ये पूरी यहाँ पे प्लेट बैठेगी। अगर ये पूरी प्लेट नहीं बैठेगा ये, तो ये पिन नहीं लगेगा। तो गाइज़ ये देखिए अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर से पूरी पिन बैठ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे जो ये पिन होती है इसको बैठाना होता है। इसके लिए अब आपको यहाँ पे होल होता है इस रॉड के अंदर, सिर्फ आपको वो ढूंढना है कांग्या। तो ये देखिए गाइज़ अब यहाँ पे ये देखिए पिन आ गई है। अब इसको आपको बस बड़े प्यार से इसमें ऐसे करके रखना है, और इसको बड़े प्यार से आपको ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरह घूमने लगा ना। अब ये पिन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब यहाँ पे इसको रखिए और बहुत ही प्यार से इसको हाफ पिन को मार के इसको ऊपर लाइए। और हाफ पिन लगाने के बाद, ऊपर लाने के बाद हल्का सा इसको, तो गाइज़ ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिन जो है मैंने वापस एज इट इज़ लगा दी है, और ये कम्प्लीटली लग चुका है, प्रोसेस ख़त्म। और हाँ, अब जो ब्रेक में आपके लूजनेस आ गई थी, या आप महसूस कर रहे थे कि आपका जो है ब्रेक ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल परफेक्टली काम करना पड़ेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक भी बताता हूँ गाइस कि क्लीनर से क्यों क्लीन करना चाहिए, और आपको क्यों नहीं इसको
सैंड पेपर से रब करना चाहिए। सैंड पेपर से रब करने में आप पैड को क्लीन तो कर सकते हो, लेकिन होता क्या है कि आप एक्चुअली पैड के ऊपर से सिर्फ डस्ट और डर्ट के साथ साथ आप पैड को भी रब आउट करके कम कर रहे हो, पैड की लाइफ कम हो रही है। जबकि क्लीनर से क्लीन करने पे जो कार्बन है, डस्ट है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है और टेक्निकली आपको कभी भी रब नहीं करनी चाहिए। और ये चीज़ मैंने रॉयल इनफील्ड से नहीं सीखी। व्हेन आई वेंट टू होंडा, होंडा में अगर आप कोई भी गाड़ी सर्विस कराओगे, दे हैव क्लीनर, द सिमिलर क्लीनर जैसा ये आपने अभी मेरे पास देखा, ये सिंपल चेन क्लीनर था, लेकिन ऐसा ही क्लीनर वो लोग यूज़ करते हैं। अगर आप उनको बोलो भी ना कि आप पैड्स को रब कीजिए, तो वो कहते हैं नहीं, पैड्स को रब करने से अनइवननेस आती है, ब्रेक्स का लॉस होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि आपके पैड्स की लाइफ भी कम होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, देखिए हर एक ब्रांड में अपनी कुछ खासियत है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको उठानी चाहिए। तो होंडा में मैं 3 सर्विस करा चुका हूँ अपनी गाड़ी की, और तीसरी सर्विस में मुझे ये चीज़ देखने को मिली एंड आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। उन्होंने पूरे पैड को उसी क्लीनर से क्लीन करा, कपड़े से साफ़ किया और वापस लगा दिया, एंड ब्रेक्स वर एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि यह छोटा सा लाइफ हैक आप लोगों की जीवन में भी काम आएगा, और आप लोग अपने ब्रेक्स को अपने ही घर पे 5 मिनट, देखिए 5-7 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगे होंगे मुझे भी, कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 ब्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।